अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम होममेड मेयोनीज की एक बहुत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत कम टाइम में बन जाती है और साथ ही बहुत अफोर्डेबल होती है। ये बाजार की निस्बत ये ज्यादा थिक होता है और ये बहुत कम कीमत में आसानी से बन जाता है। इसे आप डिफरेंट चीजों में यूज कर सकते हैं, इसे अपनी डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। मेयोनीज बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून नमक यानी सॉल्ट और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च ले रहे हैं हम यहाँ पर। और साथ ही हम ले रहे हैं ऑयल, तकरीबन 200 ml, कोई भी ऑयल ले लीजिए, सिर्फ फ्लेवर्ड ऑयल नहीं लेना। और एक अंडा लेंगे, काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसको यूज नहीं भी करें। अब देखिए, हमने एक ब्लेंडर लिया और उसमें हम ये तमाम चीजें ऐड कर लेंगे। हमने इसमें एग ऐड किया है, लेकिन हमने ऑयल एकदम से ऐड नहीं करना, बल्कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह इसको ऐड करना है। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसको किस तरह लॉन्ग टर्म यूज में ले सकते हैं। अब देखिए, हमने इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दी है, ये एज पर योर टेस्ट होता है, जितनी आप लाइक करते हैं आप उतनी इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए, हमने तकरीबन 4-5 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है, अभी थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और इसको हमने ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। अब जिस तरह ब्लेंडर को गौर से देखिए, इसमें आपको अभी बबल्स नजर आ रहे होंगे, यानी अभी ये काफी पतला है। और इसको हमने फिर थोड़ा सा उतना ही ऑयल ऐड किया और दोबारा ब्लेंड किया। ऑयल हम वक्फे वक्फे से ही ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करना। और ये देखिए, अब ये काफी थिक हो रहा है, लेकिन अभी भी छींटे आपको फील हो रहे होंगे कि ब्लेंडर में अभी इसको थिक होना बाकी है। और अब आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि ये देखिए काफी थिक हुआ है। और हम अगेन इसमें रिमेनिंग जो ऑयल था वो ऐड कर देंगे और फिर इसको बंद करेंगे और वही स्टेप दोबारा करेंगे। इस तरीके से मेयोनीज बहुत थिक बनता है और साथ ही बहुत टेस्टी भी बनता है। अभी देखिए काफ़ी थिक हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल बाकी का ऐड कर रहे हैं और इसको दोबारा हम ब्लेंड कर रहे हैं इस तरह। और अब देखिए, अब इसके वैसे छींटे नहीं हैं जैसे पहले थे और ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। आपको ओपन करके दिखा देते हैं। अब इसका लास्ट स्टेप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए काफ़ी ये ठीक हो चुका है। अब एंड में हमें इसमें से एग की स्मेल ख़त्म करनी है, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिरका। अगर आप चाहें तो उसकी जगह आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हमने 1 टेबलस्पून सिरका लिया और वो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। अगर आप लेमन यूज़ करें तो आप 1/2 लेमन इसमें यूज़ कर लीजिए और इसको अगेन हम ब्लेंड करेंगे। इस तरह इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है इसमें से एग की। और अगर आप इसमें ये शामिल नहीं करेंगे तो स्मेल रहेगी एग की और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब देखिए बिल्कुल थिक हो चुका है। अब आपको इसको निकाल के दिखा देते हैं कि ये कितना थिक है। और आप इसको डिफरेंट रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं, ये सैलेड में बहुत अच्छा लगता है, रशियन सलाद है उसमें तो ये एक कंपल्सरी चीज़ है। इसके अलावा आपको हमारे चैनल में बहुत सी रेसिपीज मिल जाएंगी, जैसे चिकन के चिलाटा रोल्स वगैरह, उनके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। इसे किसी भी एयर टाइटनिंग जार में बंद करके फ्रिज में 1 वीक तक रखा जा सकता है और यूज में लाया जा सकता है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज।